जहां पर कृषि बिल के विरोध में किसान आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तो प्रदर्शन लगातार हो रहा है कई राज्यों में और इसी के साथ बिल के विरोध में किसान चक्काजाम करेंगे और किसानों को भारतीय किसान यूनियन का साथ अब मिल चुका है। किसान कृषि बिल का विरोध लगातार कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पानीपत में किसान मतलौडा में विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी अब जारी कर दी। भारतीय किसान यूनियन के रोड जाम को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। और आपको बता दें कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यात्रा ना करें, यह संभव हो सकता है केवल जरूरी कामों के लिए ही निकले, पुलिस ने यह बात कही। और इसी के साथ जींद में किसानों ने जान बगा दिया है। सैकड़ों किसान सड़कों पर उतरे किसानों ने और इसी के साथ रोड पर जान बगा दिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र कथोरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो देवेंद्र जी, यहां पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया, किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए, अब सड़कों पर उतर आए हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में है ये किसान। देखिए संभव, 3 घंटे का जो बंद है 12 से 3 बजे तक का, आज इसका ऐलान पहले से हो चुका था। 3-4 दिन से तैयारियां चली थी। गुरु राम सिंह चढ़ूंगी जो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के बड़े नेता है, कल उन्होंने मोबिलाइज करने के लिए दौरे भी किए थे। तो मैं जहां खड़ा हूँ ये मतलौडा कस्बा है, मतलौडा इस राणा विधानसभा क्षेत्र, पानीपत जींद रोड कहते हैं। मतलौडा में करीब 400 किसान है, ये आसपास के भी है, पानीपत जिले के। इन्होंने ठीक 12 बजे 5 मिनट पहले इन्होंने जाम लगा दिया था, दरिया बिछाकर सड़क पर बैठ गए हैं, ट्रोली खड़ी कर दी है, दोनों तरफ पुलिस है, बीच में ये लोग हैं। लेकिन एक बात ये है कि चूंकि धरने का ये सड़क बंद का ऐलान पहले से था, तो पुलिस ने प्रशासन ने वैकल्पिक प्रबंध किए हुए थे। जो लोग पासर्स बाय जो गाड़ियों से आ जा रहे हैं उनको वैकल्पिक रास्ते बताए जा रहे हैं। पुलिस पहले से ही दोनों सिरों पर तैयार है, जो आ रहा है उसको ये उसको बता रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, उसको उसी तरह का वैकल्पिक रास्ता सुझाया जा रहा है, क्योंकि रास्ता बंद है। तो लोग दाएं बाएं से निकल रहे हैं जहां जिसको जाना है, लेकिन लोग पहले से इन्फॉर्म थे कि 12 से 3 बजे सड़कें बंद रहेंगी। आज वैसे भी संडे का दिन है, मूवमेंट कम रहती है और दोपहर का टाइम है, तो सड़कों पर आवाजाही आज कम है और लोगों को पहले से पता था कि जाम रहेगा, इसलिए सड़कों पर भीड़ बहुत कम है। किसान जरूर 400 की तादाद में है, दोनों तरफ पुलिस खड़ी है, किसान नेता भाषण दे रहे हैं कि ये कृषि बिल है, ये किसान विरोधी है, हम गुलाम हो जाएंगे, एक बार फिर किसान बर्बाद हो जाएंगे, अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। दूसरा आपको बता दूं संभव, जो एक खास बात ये है, इस धरने में जो ये सड़क बंद है मतलौडा पानीपत जींद रोड पे, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है बिल्कुल। हालांकि किसान कहते हैं, भारतीय किसान यूनियन लगातार कहते हैं कि हमारा राजनीतिक, तो देवेंद्र जी यहाँ पर जिस तरह से विरोध लगातार हो रहा है, इस बीच यहाँ पर राजनीति भी चरम पर हो रही है। इस बीच कांग्रेस ने भी यहाँ पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी और साथ देने की बात कही है। इसी के साथ किसान यूनियन संगठन ने भी बात कही कि उसका साथ मिल रहा है इन किसानों को। बिल्कुल संभव, देखिए भारतीय किसान यूनियन लगातार ये बात दोहराते हैं कि हमारा राजनीतिक संगठन है, राजनीति से कोई वास्ता नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज जो ये सड़क जाम है पानीपत जींद रोड पर पानीपत जिले में, हम ये देख रहे हैं कि जैसे इनेलो के नेता जो विपक्षी दल है, इनेलो के हैं, कांग्रेस नेता है, भले ही वो कहते हैं कि हम खुद किसान है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दखलंदाजी इस धरने प्रदर्शन में जरूर दिखाई दे रही है। और एक तरह से मैं कहूंगा किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष भी इस मामले को हवा जरूर दे रहा है। कहीं पूरे हरियाणा में जहां जहां ये सड़क जाम के कार्यक्रम है, पानीपत में मैं देख पा रहा हूँ कि इनेलो वाले हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये नेता लोग भी आ गए हैं, इनका ये कहना है कि हम समर्थन करने आए और ये भी दलील देते कि हम खुद भी किसान है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल अंदाजी से भी प्रभावित ये आंदोलन लग रहा है। जी संभव, देवेंद्र जी आप बने रहिए, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं ब्यूरो चीफ हैं महेश कुमार जी। तो महेश, यहाँ पर विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, सड़कों पर किसान अभी ये उतर आए हैं, आर पार की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, और कितना ज्यादा भी फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हालात हैं ये, क्या आगे और ज्यादा ये जो विरोध प्रदर्शन आगे तेज हो सकता है क्या? हमारे साथ महेश लगातार जुड़े हुए हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हम लगातार आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी के साथ जो किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और महेश लगातार जुड़े हुए हैं। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो हम देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से यहां पर गतिविधि देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी संख्या में पुलिस यहां पर देखने को मिल रही है, किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए साफ तौर से बात कही जा सकती है कि किसानों का गुस्सा जबरदस्त था, लेकिन यहाँ आंदोलन एक तरीके से कह सकते हैं कि दो फाड़ होता हुआ नजर आया। हिसार के मैयड़ में जिस तरीके से यहाँ रणनीति तैयार की गई थी कि बड़ी तादाद में किसान यहाँ पहुंचकर जो है सड़कों रोड जाम करने का काम करेंगे, लेकिन हाईवे पेट्रोल से पहले जो है वो जबरदस्त पुलिस इंतजाम यहाँ पर रखे गए, भारी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई।
उसके बाद मैं यहाँ इस तरफ दिखाने की जरा कोशिश आपको करूंगा कि एक सड़क किनारे टोल से थोड़ा आगे बढ़कर एक किसानों की तरफ से एक छोटी यहाँ पर मीटिंग रखी गई, जिस मीटिंग में ये रणनीति तय करनी थी कि आखिर बड़ी तादाद में अगर किसान यहाँ पहुंचते हैं तो रोड जाम वो करेंगे, लेकिन अगर संख्या कम रहती है तो रोड जाम की बजाय यहाँ पर धरना देने का वो काम करेंगे। बहरहाल दो गुटों में तमाम जो किसान संगठन है वो किसान जो यहाँ पहुंचे थे वो बढ़ते हुए नजर आए। कुछ का मानना था कि किसी भी सूरत में संख्या चाहे कम हो या ज्यादा उन्हें यहाँ सड़क पर बैठने की जरूरत पड़ेगी, और कुछ लोगों का ये मानना था कि चूंकि जाट आंदोलन इस इलाके ने पहले से आगे बढ़ाया था, जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा में इसी हिसार के मैयड़ के इलाके से आगे बढ़ा था, तो ऐसे में काफी सारे युवाओं के खिलाफ पहले से जो केसेस है वो दर्ज किए गए, हाईवे रोकने को लेकर, रोड रोकने को लेकर, हिंसा करने को लेकर, तो तमाम उन युवाओं का जो करियर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ और उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो उन्हीं आशंकाओं के चलते यहाँ पर तमाम किसानों ने यह कहा कि रोड रोकना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन बहरहाल हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें कि करीब 15 मिनट तक इस रोड को जाम करने का काम यहाँ किया गया। अभी कुछ ही क्षण पहले जो हाईवे है उसे हटकर यहाँ दोबारा से मीटिंग स्थल पर तमाम जो किसान है वो पहुंच चुके हैं। 15 मिनट का करीब जो वक्त था वो यहाँ पर लगाया गया, किसानों की तरफ से हाईवे पर बैठे जरूर थे, किसानों ने साथ ये कहा कि अगर उनकी तरफ से आह्वान किया गया तो वो चाहे सांकेतिक ही करें लेकिन रोड जाम जरूर करेंगे। कुछ तादाद में जो किसान है वो यहाँ सड़क पर पहुंचते हैं और करीब 15 मिनट तक जो रोड जाम है वो यहाँ पर किया जाता है। बहरहाल भारी तादाद में पुलिस की तैनाती यहाँ पर दी गई है और यहाँ कह सकते हैं कि किसान एक बार फिर से धरने की तरफ मूव कर चुके हैं, सड़क से हटे हैं, क्योंकि संख्या कम थी इसी वजह से सांकेतिक ये जो रोड जाम है वो किया गया। एक बार फिर से हाईवे के किनारे यहाँ पर तमाम किसान बैठ चुके हैं और नारेबाजी शुरू हो चुकी है। और महेश अगर यहाँ पर बात करें तो ये मांग लगातार अब तेज होती जा रही है कि बिल को वापस लिया जाए, लेकिन इस बीच यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन किसानों को कितने लोगों का, किस संगठन का साथ मिला और कौन कौन से राजनीतिक दल उनके समर्थन में आए हैं और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने उनको कुछ समर्थन दे रहे हैं। देखिये साफ तौर से बात कही जा सकती है कि किसानों की एकजुटता का अभी अभाव बना हुआ है। तमाम अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का वो इलाका जहाँ पर गुरनाम सिंह चौड़ूनी अगुवाई कर रहे हैं, तो वो एक कह सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन चौड़ूनी ग्रुप के प्रभाव वाला इलाका है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय किसान सभा और तमाम दूसरे अलग अलग जो किसान संगठन है, छोटे किसान संगठन है, वो ज्यादा प्रभावी नजर आते हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद यहाँ पर किसानों को इस आंदोलन में हिसार के मैयड़ पॉइंट से थी, लेकिन चूंकि यहाँ जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए थे कि काफी सारे जो क्रिमिनल केसेस हैं वो युवाओं के खिलाफ दर्ज किए गए थे, जिसके बाद काफी एक लंबी जद्दोजहद जेल से बाहर निकालने को लेकर, तमाम युवाओं को बाहर निकालने को लेकर जाट समाज की तरफ से की गई थी। तो ऐसे में एक बार फिर उन्हीं आशंकाओं को दोबारा से सामने रखने का काम किया गया कि अगर एक बार फिर से हाईवे जाम करते हैं तो पुलिस केस दर्ज करेगी और युवाओं को एक बार फिर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हिसार के मैयड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सांकेतिक रूप से करीब 15 मिनट तक यहाँ जो रोड जाम है वो किसानों की तरफ से रखा गया है। अभी सांकेतिक रूप से जो धरना है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर हिसार चंडीगढ़ हाईवे की बात करें तो वहां पर भी किसानों ने रणनीति तय की है, वहां पर बैठने को लेकर, रोड जाम करने को लेकर, तो तमाम अलग अलग पॉइंट्स पर पुलिस की कोशिश यह है कि किसानों को किसी भी तरीके से समझा बुझा कर या सांकेतिक रूप से 5-10 मिनट के लिए हाईवे पर बैठा कर वापस हटा लिया जाए। पुलिस अपनी कोशिश में कम से कम मयूर टोल प्लाजा के पास जो ये इलाका है यहाँ पर जरूर कामयाब हुई। जी, और महेश वैसे देखा जाए तो विरोध जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा है, ये अभी कहने कुछ दिन पहले से विरोध लगातार हो रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों पर लाठी चार्ज भी हो, जिसके बाद यहाँ पर जो बीजेपी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने कई नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वो उन हलकों में जाएं, किसानों को समझाने की कोशिश करें, तो क्या उसका असर कुछ नजर आ रहा है या बेअसर है यहाँ पर उसका जो नतीजा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से अपने नेताओं के लिए कहा गया था उनको समझाने की कोशिश करें? देखिए साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे हरियाणा में किसान आक्रोशित और एक तरीके से आंदोलित होकर पिपली की घटना के बाद, लाठीचार्ज की घटना के बाद जिस तरीके से आक्रोशित और आंदोलित होकर सरकार के सामने खड़ा हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जिला स्तर से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक इस मुद्दे पर किसानों को समझाते हुए नजर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इन तीनों अध्यादेशों के पास होने के साथ ही ट्वीट किया था और ये कहा था कि बिचौलियों को बीच से हटाने का ये सबसे बेहतरीन मौका है और किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो तमाम वो चीजें जिला स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और प्रधानमंत्री तक इसको लेकर अपील करते हुए नजर आए थे कि
भारतीय किसानों के लिए फायदे का सौदा है और जिला स्तर पर तमाम जो प्रभावशाली नेता थे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या पूर्व मंत्री या जिला अध्यक्ष, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो अपने प्रभाव वाले किसानों को बुलाएं और एक तरीके का शो सामने रखें। जिस तरीके से हमने रेवाड़ी में देखा कि किसान समर्थन में अध्यादेश के समर्थन में यहाँ ट्रैक्टर रैली करते हुए नजर आए थे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन समर्थन में दिया गया। उसके बाद रोहतक में कल हमने देखा कि जिस तरीके से कई सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान पहुंचते हैं और इस अध्यादेश के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपने का काम करते हैं, तो यकीनन जिस तरीके से विपक्ष आक्रोशित हुआ और जिस तरीके से आंदोलित होकर किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कह सकते हैं कि डिफेंसिव से जो दोबारा अग्रेसिव जो रणनीति है उस पर सामने आई और तमाम जो बीजेपी के नेता थे, मंत्री थे या संगठन से जुड़े लोग थे, उन्होंने किसानों के एक समूह को तैयार किया और इसके समर्थन में खड़ा कर दिया। कह सकते हैं कि पुलिस के इंतजाम अच्छे हैं लेकिन लाठी के इस्तेमाल से बहरहाल पुलिस बस्ती हुई नजर आ रही है। पिपली में जिस तरीके से लाठी का इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बड़े बैकफुट का सामना करना पड़ा, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आखिरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कमजोर रखा जाए या दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए या नेताओं को एक तरीके से अलग कर लिया जाए ताकि आंदोलन पहले से अपने आप कमजोर हो जाए और अगर कुछ संख्या में किसान सड़कों पर आते भी है तो उनके खिलाफ लाठी का इस्तेमाल नहीं किया जाए। किसी भी सूरत में इस आंदोलन में हिंसा या आगजनी का इस्तेमाल नहीं। आप महेश लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दर्शक हमारे इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि ये चंडीगढ़ की तस्वीरें और किस तरह से विरोध लगातार हो रहा है। हम अलग अलग जिलों की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से जो किसान है वो सड़कों पर उतरे, विरोध लगातार ये तेज होता जा रहा है। और महेश आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्यूरो स्टेट, और तो देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसानों की ये मांग है कि जो विधेयक है उस विधेयक को ना लाया जाए, उसको खत्म किया जाए, नहीं तो किसानों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार यहां पर किसानों का साथ दे रहा है और इस बिल के विरोध में, लेकिन जो किसान है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को यह चाहिए कि इस बिल को ना लेकर आए जिससे किसानों के हित में यह फैसला हो। लेकिन यहां पर केंद्र सरकार की यह कोशिश है कि लगातार ये चलता रहेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।